छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी नित नए प्रयोग कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात प्रशासन के सामने सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, शासन का ध्यान अपनी ओर खींचते आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। सोशल मीडिया के इस दौर में, या कहें सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रचलन को देखते हुए, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने सोशल मीडिया त्यौहार मनाने का फैसला किया है और इसके द्वारा अपनी बात सरकार के सामने रखने का फैसला किया है। 18 मई को 15,000 मनरेगा कर्मचारियों द्वारा ट्विटर का उपयोग करके सोशल मीडिया त्यौहार मनाया जाएगा और इसके जरिए अपनी बात सरकार के सामने रखी जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के 146 विकास खंड के लगभग 15,000 मनरेगा कर्मचारी शामिल होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अपनी दो सूत्री मांगों को वे सरकार के सामने रखेंगे। पहली मांग समस्त मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण है और दूसरी मांग जब तक रोजगार सहायकों का वेतन निर्धारण नहीं हो जाता, समस्त मनरेगा कर्मियों के लिए पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए है। इसके पहले भी मनरेगा कर्मचारी संघ शासन का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा, जब 12 अप्रैल को लगभग 5,000 मनरेगा कर्मचारी दंतेवाड़ा से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर पहुंचे। इस यात्रा को उन्होंने दांडी यात्रा का नाम भी दिया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।